अब क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, इस बात बताते हैं कैसे सॉल्व होगा। और आइए इसको सॉल्व करते हैं। कहता है कि 2800 रुपये की राशि पर 6% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज और मिश्रधन निकालना है, ठीक है। दर दिया और 5 वर्ष के समय दिया, ठीक है, और कह रहा है कि साधारण ब्याज और मिश्रधन इसका क्या होगा। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको ट्रैक 2800 रुपया दिया है और क्या कहता है, प्रिंसिपल दिया है, मूलधन दिया है, तो मूलधन गुने का होता है समय 6 गुने और दर कितना लेंगे 6%, आप 5 कर देंगे, ठीक है, और बटा में 100 कर देंगे, तो 2 जीरो से कट गया, ठीक है, और 6 पचे 30 हो गया। 28 गुने 30 करेंगे कितना, 28 गुने 6 पचे 30 हो जाएगा। तो पता कितना, 3 8 24 के 4 हाथ में 2, 3 2 6 6 2 8, 1 जीरो बैठ गया, 800 का हुआ 40 हो गया, ये क्या हो गया ब्याज हो गया, ब्याज हमारा ये आंसर इतना आ जाएगा। और कह रहा है मिश्रधन निकालना है, तो मिश्रधन निकालने का करते हैं, मूलधन इसमें जोड़ देंगे, मूलधन कितना है 2800 रुपया, कितना है, तो मिश्रधन अब निकालना होगा, मिश्रधन तो मूलधन क्या करेंगे, मूलधन क्या करेंगे प्लस ब्याज जोड़ देंगे, मूलधन और ब्याज जोड़ने का होगा मिश्रधन हो जाएगा 2800 रुपये में कितना जोड़ेंगे 840 जोड़ेंगे, कितना 840, तो 0 हो जाएगा, 4 के 4 हो जाएगा, 8 8 16 के 6 2 1 3 होगा, 3640 रुपये का हुआ अमाउंट हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोर्ड पर लिखा हुआ है और क्वेश्चन कहता है किसी धनराशि पर 5% की दर से ब्याज 4 वर्ष में 800 रुपया है तो मूलधन ज्ञात करना है। कोई राशि है पता नहीं है, 5% की दर से 4 वर्ष में ब्याज कितना होता है 800 रुपया, तो मूलधन ज्ञात करना है, तो मूलधन निकालने के क्या करेंगे, मूलधन निकालना हमको क्या निकालना है, मूलधन तो क्या दिया है ब्याज दे दिया है, तो अगर तो मूलधन का फॉर्मूला निकालना क्या होता है, एसआई गुने 100 या आर गुने क्या होगा टी हो जाएगा, ठीक है, आर गुने टी कर देंगे तो मूलधन निकल जाएगा। साधारण ब्याज कितना दिया है 800, ऐसा मतलब साधारण ब्याज 800 रुपया और 100 ये हो गया, ठीक है, आर गुने टी, आर मतलब आर गुने टी मतलब क्या हुआ ब्याज हो गया, ठीक है, तो आर गुने टी कितना हुआ, आर दिया है 5%, ठीक है, 5% टाइम दिया है 4 वर्ष, तो पंचों का 20 हो गया, पंचों का 20, तो नीचे क्या करेंगे 5 ऊंचा या 20 शॉर्ट में लिख सकते हैं, 20 हो गया, ई जीरो से कट गया और 2 से काट देंगे 80 को 40 बार में, 40 गुने 100 करेंगे तो कितना होगा 40 पर 2 जीरो मैंने 4000, ये हमारा आंसर हो गया। इसको एक और ऐसे बना सकते हैं ऐसे भी, आइए देखते हैं, नहीं तो ड्रेक बना सकते हैं, 800 ड्रेक लिख देंगे, ब्याज ये दिया है तो ब्याज 800 लिख देंगे और गुना करके दोनों लिख देंगे, 5 गुने 4 करेंगे, पंचों का 20 और 100 से गुना कर देंगे, 800 ब्याज लिख देंगे और ये दोनों गुना कर देंगे, दर को और समय को गुना कर देंगे, पंचों का 20 हो जाएगा, 20 ई जीरो से ई जीरो कट गया, 2 से काटेंगे 40 बार में, 40 दूनी 80 हो जाएगा, और 40 गुने 100 करेंगे तो कितना होगा 4000 आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आंसर नहीं आया, वैसे भी आंसर वैसी हैं। अच्छा देखते हैं, क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है और क्वेश्चन कहता है 1000 की राशि पर कितना है, 1000 की राशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दिया है 300 है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 300 है, तो दर कितना होगा, दर निकालना है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा में 100, बट्टा में क्या होता है 100, हमको क्या निकालना है दर निकालना है, क्या निकालना है दर निकालना है, तो क्या करेंगे कि साधारण ब्याज है ना, साधारण ब्याज कितना दिया है, साधारण ब्याज दिया है 300 रुपया दिया है,
इसको नीचे 300 लिखेंगे, क्या करेंगे 300 नीचे, साधारण ब्याज दिया है 300, ठीक है। और इसको दर भागा में दीजिएगा तो क्या होगा, गुना में हो जाएगा, गुना में क्या होगा 100 हो जाएगा, यानी दर बचेगा, क्या बचेगा, जो दर निकालना थी गुना में दीजिएगा तो भागा में दीजिएगा तो गुना में ऊपर वाला क्या हो जाएगा, नीचे में आ जाएगा, क्या हो जाएगा मूलधन, और नीचे क्या हो जाएगा समय, समय, ठीक है। तो इसको बैठा देंगे, मूलधन कितना दिया है 1000 रुपया, तो क्या करेंगे यहाँ 1000 रुपया बैठा देंगे, क्या करेंगे 1000 रुपया बैठा देंगे, 1000 यहाँ बैठाएंगे। और समय की जब कितना दिया है, समय समय दिया है 3 वर्ष, तो 3 लिख देंगे, इसको काट देंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है, और 3 से 3 कट गया एक बार में, और 10 दहाके 100, तो दर बराबर कितना आंसर आया, दर बराबर आंसर आएगा 10%, ये हमारा निकल गया, ठीक है। क्या हुआ, दर हमारा दर कितना आया 10%, ब्याज था, ब्याज बैठा दिए 300, और दो दर निकल के इधर सबको इधर भेज दिए, ठीक है, गुना में दिया तो भागम हो जाएगा, मूलधन 1000 रुपया 1000 बैठा दिए, 2 जीरो कट गया, 2 जीरो और 2 जीरो यहाँ कट गया, और 10 दहाके 100, 3 से 3 कट गया, तो 10% हो गया आंसर। हाँ, ये क्वेश्चन को देखते हैं, बोर्ड पर लिखा हुआ है, और क्वेश्चन कहता है एक आदमी कुछ पैसा 4% वार्षिक ब्याज की दर से, कैसे वार्षिक ब्याज है 4% की वार्षिक दर से 5 वर्ष बाद मूलधन और ब्याज का, कहता है मूलधन और ब्याज के दोनों को 960 रुपया दिया। कहता है एक आदमी कुछ पैसा लिया 4% की ब्याज की दर से, ठीक है, और 5 साल बाद मूलधन जो पैसा लिया और ब्याज दोनों मिला कितना दिया, 960 रुपये दिया, तो उसे कितना ब्याज दिया, तो ब्याज उसे कितना दिया, इसको सॉल्व करते हैं। मूलधन और ब्याज दोनों मिला कितना दिया, 960 रुपया दिया, मान इतने 960 रुपये दिया, इसमें क्या है, मूलधन भी जुटल है और ब्याज भी है, मतलब ये क्या हुआ, मिश्रधन हुआ, क्या हुआ मिश्रधन, मूलधन और ब्याज जुड़ता था, क्या हुआ ये मिश्रधन हुआ, तो दोनों मिलके क्या किया, 960 रुपये दिया, तो कितना है 960 रुपया, तो 960 रुपये दिया, तो क्या हुआ मिश्रधन हुआ, क्या हुआ मिश्रधन हुआ, मूलधन और ब्याज दोनों मिलके 960 रुपया दे रहे थे, क्या हुआ मिश्रधन दिया, ठीक है, और तो कितना ब्याज देना पड़ा, ठीक है, तो इसमें आर गुने टी करेंगे, आर गुने मैंने रेट दर गुने समय, अब प्लस क्या करेंगे 100 को जोड़ देंगे, तो आर गुने टी कितना है, दर कितना है 4%, समय 5 वर्ष, तो 4 गुने क्या करेंगे 5, और 100 जोड़ देंगे, क्या करेंगे 100 जोड़ेंगे, 4 पचे 20, 4 पचे 20 और छोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा, तो 120 इसमें भाग दे देंगे, क्या करेंगे 120 से क्या करेंगे भाग, और 100 से मल्टीपल कर देंगे कि हमारा क्या होगा मूलधन निकलेगा, ठीक है, जब मिश्रधन दिया है और मूलधन निकालना है तो दोनों को गुना कर देंगे, 5 गुने 5 गुने 4 कर देंगे, मतलब इसका कहना है आर गुने टी करके प्लस 100 का करेंगे जोड़ देंगे, ठीक है, तो निकल जाएगा, ठीक है, 960 में आर कितना है 4 और 5, 4 पचे 20 में 100 जोड़ेंगे तो कितना होगा 120, और 100 से क्या करेंगे भागत 100 से गुना कर देंगे परसेंटेज के लिए, 0 6 12 8 96, 8 गुने 100 करेंगे कितना आया 800 आ गया, 8 गुने 100 करेंगे तो क्या 800 आया, ये हमारा क्या आया ये मूलधन आया, क्या आया ये हमारा मूलधन आया, हमको क्या निकालना है ब्याज निकालना है, हमको क्या निकालना है ब्याज निकालना है, तो मूलधन 800 आया, मिश्रधन 900, तो मिश्रधन में हमेशा मूलधन प्लस ब्याज जुड़ता है, तो 900 में से 800 घटा देंगे तो ब्याज बच जाएगा, कौन सी करेगा ब्याज, ये मिश्रधन मतलब होता है मूलधन, क्या है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन और ब्याज मिलकर मिश्रधन होता है, तो मिश्रधन 960 है, इसमें मूलधन हम घटा देंगे 960 में से 800 घटाएंगे तो ब्याज कितना बच जाएगा, 960 में से हम कितना घटा देंगे ये मूलधन घटा देंगे तो हमको ब्याज कितना बचेगा, ब्याज 160 रुपये बच जाएगा, कितना 160, ठीक है, 160 आ गया, 960 में से
800 मूलधन घटाएंगे, घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये हमारा आंसर आ गया 160 रुपया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स और धन्यवाद।